Hey friends, welcome to my channel Mika's Talk. Talk about the children and the parents. And today's talk is about the children. So friends, बच्चे हम लोग के लिए बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो लोग जब तकलीफ में होते हैं हम लोग भी बहुत तकलीफ में हो जाते हैं. क्यों ना हो, जब उसको गैस से कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, हम लोग उसको अच्छे अच्छे खाना दे दे, बाद में वो खा के उसको अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाए, उसके बाद उसको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है. तो उसी के लिए उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको कैसे रिलैक्स किया जाए, इसके लिए थोड़ा मैं लेके आई हूँ आज का ये ट्रिक्स एंड टिप्स. सो फ्रेंड्स, मोस्टली गैस का प्रॉब्लम तो हर कॉमन है, हम लोग को भी होता है, बड़े लोग को भी होता है, छोटे लोग भी होता है. पर बड़े लोग होने से हम लोग समझ जाते हैं, कुछ हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो रिड्यूस हो जाता है. पर बच्चे लोग को समझना बहुत दिक्कत हो जाता है कि उसको हुआ क्या है, वही मेन प्रॉब्लम है. अगर हो जाता है, पता चल जाता है, तो हम लोग कुछ देख के उसको रिड्यूस कर देते हैं. फिर भी अगर कुछ भी हो जाए, बुखार हो, गैस हो, कोई भी कोलन कोफ हो, जो भी होता है, बच्चों को हम लोग को रियली अच्छा नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि उन लोग को क्यों हुआ है, शायद हम लोग ही हो जाता तो हम लोग कुछ ना कुछ करके हम लोग ठीक कर देते. बच्चों को होता है तो हम लोग को रियली हर्ट्स. तो इसीलिए एक टिप्स लेके आई हूँ, उसमें बहुत सारी टिप्स है गैस को रिलीज करने के लिए. मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी. आज सिर्फ अबाउट जीरा के बारे में मैं आपको बात करने आई हूँ. सो फ्रेंड, जीरा से हम लोग गैस को रिड्यूस कर सकते हैं. बेबीज, नॉट ओनली बेबीज, बड़े लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जीरा एक चीज़ है, वो आराम से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड प्रिवेंशन, गैस को प्रिवेंट होने में भी हेल्प करते हैं. सो फ्रेंड्स, जीरा हम लोग कैसे यूज़ करके आपको बच्चे का गैस को रिड्यूस कर सकते हैं, यही मैं बताने जा रही हूँ. एक्चुअली हम लोग 1 कप ऑफ वाटर आराम से अच्छे से बॉयल कर ले, टिल 2 to 3 मिनट्स आप अच्छे से बॉयल कर ले, टिल बबलिंग ना हो. उसके बाद उसको एक कप में डाल दीजिए, 1 कप ऑफ में उसको पोर कर दीजिए. उसको उसमें 1 कप ऑफ जीरा, जो घर में आप सबको मिलती होंगे, 1 कप ऑफ जीरा आप उसमें डाल दीजिए. इसके बाद आप उसको आराम से कवर करके रखिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए. वो ठंडा होने के बाद आपके बेबी को कैसे देना है, वही मैं बोलने जा रही हूँ. आप अपने बेबी को 3 times 1 tablespoon करके दे सकते हैं दिन में 3 बार. जब तक उसको ये प्रॉब्लम रिड्यूस ना हो जाए, तब तक आप ये आराम से बेबी को दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये पानी आप भी खा सकते हैं, आपका गैस भी रिड्यूस हो. अगर आप गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए. अगर आप खाने के बाद 1 कप नहीं तो 1 glass आप गर्म पानी को, गर्म पानी में जीरा डाल के थोड़ा ठंडा होने के बाद पिए, आपको भी कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा और बच्चे को भी आप खिला सकते हैं. और ये सब करने के पहले यू मस्ट थिंक सम पॉइंट्स इन योर माइंड. क्या है, जो जीरा जो है आप अच्छे से वॉशेबल हो, अच्छे से ड्राई करके रखे हो सनलाइट में. क्योंकि अगर ये अच्छे से वॉश ना हो और आपने बच्चे को खिला दिया हो, तो वो फिर बीमार हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट जो बात है, जीरा आपको बच्चे को खिलाने के पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए कि मैं मेरे बेबी को गैस की वजह से मैं जीरा खिला सकती हूँ कि नहीं. आप डॉक्टर से कंसल्ट करना मत भूलिए. थर्ड जो है, आप 8 months की एबव बेबी को दे, उसका नीचे की बेबी को मत दे. 8 months एबव आप ये जो होम टिप्स है आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है मोस्ट, आप दूसरे है भी है टमी में आप यूज़ करते हैं, वो है ममत आज का प्रोडक्ट टमी इजी रोल. वो आप यूज़ कर सकते हैं अम्बल के नीचे में थोड़ा 15 मिनट के बाद, जब तक ये रिड्यूस ना हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं. वो जो रोल है आप बहुत यूजफुल है, मैं भी यूज़ करती हूँ मेरी बेबी के लिए. इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस, यूज़ कर सकते हैं ये रोल. ये भी आपका बच्चे को गैस होने में भी, रिड्यूस होने में भी हेल्प करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज सिर्फ इतना ही अबाउट जीरा. नेक्स्ट में और भी गैस के लिए कुछ और भी होम टिप्स मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.